नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। तामीराती मजदूरों की मेहनत के मुताबिक कीमत मुकर्रर करने पर दबाव डालते हुए नौ कल्याण कर्नाटक मजदूर एसोसिएशन की क़यादत में शहर में बड़े पैमाने पर एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर भीमराया कंदली, मरप्पा मोहम्मद अलाउद्दीन, शरणप्पा बड़ी चक्कर, रमेश माविनकर समेत कसीर तादाद में मजदूर गुत्तेदारान शरीक थे। आइए देखते हैं जी मीडिया की एक रिपोर्ट। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। अट्ठाईस तारीख से इस गुलबर्गे के अंदर हर वो कोने फिरा हूँ, जिसमें जहाँ भी जाता हूँ इंजीनियर से काम हो रहे हैं। और इंजीनियर का काम क्या कर रहे हैं बोलो तो, पूरा ऐसा से बाहर से जो लोग इंजीनियर ला रहे हैं, ला के जो है ना बाहर के लोग काम दे रहे हैं। काम देने के बाद क्या कर रहे हैं, हम जाके अगर साइट पर रुके, भाई ये हमारे यूनियन से कोई रिलेटेड नहीं है काम, हम आना नहीं यूनियन वाले, क्यों नहीं आना बोल रहे हैं तुम्हारे से क्या है भाई, हमारा खुद का शटरिंग है, हमारे बाहर के लेबर्स है, वो बोल के बोल रहे हैं। बोला ये लोग इतने लोग क्यों बंद करे काम, क्यों बंद करे भाई, इंजीनियर इंजीनियर का काम करना, लेबर लेबर का ही काम करना, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट काम करना। लेकिन इंजीनियर जो है ना, अगर वो लेबर का काम करे हमारे यूनियन में आइए, हम उसको कार्ड बना के देते, लेबर कार्ड बना के, लेबर कार्ड बना के देते। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक साहब क्या बोले, नहीं जी हम देते नहीं पैसे। तो बोला कैसे देना पड़ता, पूरे लोग को चैलेंज करें हम 2,000-5,000 इसलिए करेंगे, काम जो है ना बंद करें पूरा। आप क्यों चालू करें भाई, यूनियन में अगर कोई हादसा हुआ वो हुआ तो यूनियन हमारी कोऑपरेट करी। और दूसरी बात, जितने भी ये शटरिंग वाले हैं उनका अगर कार्ड बने तो हम माल देते, अगर कार्ड बना नहीं है तो माल ही नहीं देते। अगर एक एक आदमी अगर हफ्ते में कम से कम एक 30 रुपये कर दिया, 2,000 बने तो 50,000 रुपये हमारे अकाउंट में जमा होते। एक भी अगर हादसा हुआ तो उसमें से हम पैसे दे सकते हैं, हर एक को दे सकते हैं पैसे। हम हमारे इसमें यूनियन में जमा हो जाइए और कार्ड इमीडिएट बनाओ, और आजादपुर रोड पे यूनियन का ऑफिस है, और गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो भी लेबर कार्ड कर बने हैं एक रुपया भी उनके अकाउंट में नहीं आया, एक रुपया भी अकाउंट में नहीं आया, वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो हम 5 दिन से हमारे लेबर कितने परेशान हैं, सब परेशान। अगर फर्ज हमारे मुतालबा अगर नहीं करेंगे तो फिर और 8-15 दिन फिर बंद करेंगे हम पूरा ग्रुप। कार्ड बने हुए वो कार्ड रहा तो उसको मटेरियल दिया जाएगा, जिसका कार्ड नहीं है हम उसको ना यूनियन से बेनिफिट देंगे, ना उसके साइड का लिटिगेशन हैंडल करेंगे, ना कोई भी मसले हल करेंगे, ना कॉलम बॉक्स दिया जाएगा। इंशाल्लाह जो भी नया साइड का एग्रीमेंट है तो 30 ये 5 ये आज से जो है 130 रुपए के नीचे को भी नहीं करेंगे। पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स को कार्ड दिए हुए, हमारे ऑफिस से लेटर लेके एग्रीमेंट होंगे, एग्रीमेंट हुआ तो ही वो हिसाब से काम चलेगा। और इंजीनियर का क्या भी प्रॉब्लम रहा तो एक हेल्पलाइन नंबर रखेंगे, उन्हें हमको कॉल करना, सर हमको ये कॉन्ट्रैक्टर सता रहा है तो हम उसका भी मसला हल करेंगे, हमारा एक का नहीं इंशाल्लाह उसका भी मसला हल करेंगे हम साथ ही साथ। उसको भी कोई कॉन्ट्रैक्टर तकलीफ दे रहा है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें दे, हम वो नंबर देते हैं सबको, उस पर कॉल करें दे, उसका मसला भी हल क्लियर करेंगे। कलबुर्गी शहर और जो ना कलबुर्गी जिले में तकरीबन 50,000 से ज्यादा तकरीबन 50,000 बांधकाम जो लेबर काम करते हैं। अब प्रस्तुत संदर्भ में हमारे कल्याण कर्नाटक के जो डिविजनल हेडक्वार्टर गुलबर्गा है, यहाँ के तमाम जो है ना आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं और सिविल इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो है ना जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तकरीबन करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तकरीबन 10 साल पहले जो रेट था वही रेट लेबरों को देते हैं, जो गोंडी समझो, जो बड़ाई काम करने वाले समझो, फर्शी डालने वाले समझो, तमाम जो ये 50-60 टीम है ये बांधकाम कमेटी के, ये तमाम लोगों का जो काम करने वाले लोग हैं, तुम एसी में बैठकर तुम प्लान डालते भाई, ऐसे बड़े बड़े विधानसभा बनते लोग, बड़े बड़े जो है ना हम बिल्डिंगा बनते, आज जो है ना HKRD भी है, विधानसभा है, अब गुलबर्गा में बहुत सारे मॉल बने, घरें बने, ये तमाम जो है ना बनने वाले कौन लेबर लोग बनते, आप केवल प्लान डालते, आप प्लान डालने वाले के लिए जो है 10 लाख फायदा हमारे को जो है ना कम से कम 10,000 भी जब नहीं मिलता, बोलते कौन सा इंसाफ है, कौन सा इंसाफ है, कौन सा न्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ जो है ना तकरीबन जो है ना 8 महीने पहले हमारे जो है ना नव कल्याण कर्नाटक जो है ना संघ के तरफ से, नव कल्याण कर्नाटक कट्टर कार्मिक संघ और सेंट्रिंग संघ दोनों मिलकर जो है ना तकरीबन 8 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ना हम एक लेटर दिए थे, एक मेमोरेंडम पेश किए थे, और उस मेमोरेंडम में बताए थे हम तक
15 दिन के हम अंदर हमारा मसायर साल करो बोलकर, अब तक जो ना वो मसायल हमारा कोई साल नहीं हुआ, हमारा समस्या का कोई हल नहीं हुआ। और इस हालत को देखते हुए हमारे सेंटरिंग कमेटी के जो अलाउद्दीन साहब हैं और जो हमारे भीमराव साहब हैं, हमारे तमाम लीडर मिलकर एक मीटिंग कर हम जो है एक डिसीजन लिए। हम जो है ना आज पूरा लोग 22 तारीख जुलाई तमाम जो है ना काम कर बंद करें, हम अपना अपना काम बंद कर हमारे पेट पर हम लात मार लिए, क्योंकि क्यों मजबूरी है हमारा, साफ है ये। डिमांड क्या सर? हमारा डिमांड ये है, अब जो तुम कॉन्ट्रेक्टर लोग इंजीनियर लोग जो रेट ले रहे, तुम्हारे रेट के मुताबिक हमको रेट दो। अब एक लेबर को जो रेट मिल रहा है ना, वो रेट जो है ना 10 साल पहले का रेट है। आपके रेट के मुताबिक तुम जो फायदा ले रहे, तुम जो है ना 10% ज़्यादा कर लिए, हमारे को 1% भी ज़्यादा नहीं हुआ। तुम्हारे को 10% ज़्यादा हुआ ना, हमारे को भी 10% ज़्यादा होना। जो गोंडी रहने लिए डीसी साहब को इस मसाइल को जो है ना बहुत सीरियस समझ कर 15 दिन के अंदर हमारा मसाइल सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो जो है ना हम रास्ता रोको करेंगे, धरना करेंगे और हाईवे रोको करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है ना गुलबर्गा बंद करने का भी जो है ना हम हमारे जो है ना मूवमेंट में आगे हमारा प्लान दे हैं, हमारा आगे का हमारा योजना रख लेना। हम गुजारिश करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को, हमारा जो मसाइल का डिमांड है उस डिमांड को हमारे टाइम बॉन्ड के मुताबिक सॉल्व करने के लिए मैं जो है ना तमाम हमारे आज जो कमेटी के लोग हैं उनके तरफ से जो है ना और एक बार मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ।